भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। Today, the students of Transyamuna Colony, they have given the homage to Shri Atal Bihari Vajpayee Ji, जिनका आकस्मिक निधन हो गया था 16 तारीख को, और वो इतने अच्छे इंसान थे कि कलाम जी और अटल जी, इन दोनों को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम कहें कि आरआईपी का मतलब होता है रेस्ट इन पीस, लेकिन हम इन लोगों के लिए कह सकते हैं कि रेस्ट इफ पॉसिबल, रिटर्न इफ पॉसिबल, क्योंकि ये ऐसे अच्छे इंसान थे जिन्होंने हमारी इंडिया के लिए और दूसरे देशों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया है। तो ये एक ऐसा रत्न है जिसको हमने खो दिया है और हम बहुत गमहीन हैं, तो इसीलिए हमारे बच्चे जो हैं वो भी आए हैं यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ पर भी जाएँ इसी तरह का काम आगे भी करते रहें। आज हम सब लोग हेरिटेज फैमिली की तरफ से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं शहीद स्मारक में, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे देश के पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री थे, जो एक महान नेता के साथ साथ महान इंसान भी थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और ये हमारे देश के लिए एक व्यक्तिगत क्षति है बहुत ज़्यादा। तो हम आगे कामना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। आज हमारे बड़ा दुख का दिन है कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं शहीद स्मारक पर बच्चों के साथ। हमारे भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब से निधन हुआ है तब से हम लोग काफ़ी सदमे में हैं और उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं, और आज उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि उनको भगवान उन्हें स्वर्ग में जगा दे। और जैसे कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित था उनकी कविताओं से, जो कि उनकी कविताओं में एक एक कविता में इतना सार छुपा हुआ था कि अगर व्यक्ति उसे पढ़ ले तो उनका जीवन धन्य हो जाए, और बहुत उन कविताओं को पढ़कर बहुत आगे जा सकता है। जैसे आज हम लोगों ने इतने अनमोल रत्न को खोया है जिसका भरपाई कभी पूरा देश कभी नहीं कर पाएगा, और हमें हमेशा उनकी यादें ये बताती रहेंगी, हमें प्रेरित करती रहेंगी देश को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने बहुत पूरे देश को एकजुट करने का काम किया और पूरे देश को सड़कों के माध्यम से जोड़ा, जो एक बहुत ही सराहनीय कार्य था। वाजपेयी जी को कभी हम लोग भूल नहीं सकते और हमेशा उनको अपने दिल और जहन से कभी नहीं निकाल सकते। तो मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब तक जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी जी आज तक के सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और हमें बहुत दुख है कि आज ऑन 16 अगस्त को उनका निधन हो गया। तो मैं बस इतनी भगवान जी से प्रार्थना करना चाहूँगी कि ऐसी हमारे देश में और प्रधानमंत्री जी आएँ जिससे हमारे देश का विकास हो और ज़्यादा हमारा देश डेवलपमेंट पे